Hi learners, in this video we are going to study about the northeastern plateau, which is the subdivision of the main peninsular plateau. So this part is dissected, it is divided from the main peninsular plateau, and it lies in the northeastern states of India, and mainly it lies in the Meghalaya and some part of the Assam. So let's start from reading about this plateau. Okay, if we see the origin and formation of this plateau, if you see the location part, from here to here, all this is the complete peninsular plateau, main part of the peninsular plateau. This the darken area that I have just dark, this is the peninsular plateau, main part of the peninsular plateau, or main peninsular peninsula plateau. But it also has the one extension in the northeastern states of India. So that can be seen here, this this area, which is marked by the red yellow color, this here, if you are able, if you see here, this is the peninsula, this is the northeastern extension of the peninsular plateau, and it lies in the Meghalaya or the Shillong and the Anglong Karbi plateau. So it lies there, and it is divided by the one gap, or by the another country, that is the Bengal, Bangladesh. So between the main plateau and this extension of plateau lies the Bangladesh country. So let's in fact, the extension of the mainland plateau, as I told earlier, it is the extension of the main land plateau, or the main plateau of the India. Here, in fact, it is the extension of the main peninsular plateau. It is believed that due to the force exerted by the northwestern movement of the Indian plate at the time of the Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau. जो ये पूरा का पूरा जो यहाँ से देखोगे, this is the process of the formation, or the this is the method by which this extension, northeastern extension of peninsular plateau was created. It is believed, ऐसा कहा जाता है कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब जो इंडियन प्लेट थी वह साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, तो देर वॉज द प्रेशर बिटवीन द देर सॉरी देर वॉज द फॉल्ट नॉर्थ की तरफ तो क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के में जो फोर्स डला या जो मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से वहाँ एक ह्यूज फॉल्ट वॉज क्रिएटेड. फॉल्ट मतलब बीच में टूट के जो टू पार्ट्स थे नॉर्दर्न, जो बिकॉज अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, जो अगर इसको आप देखो तो पहले ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट था, लेकिन जो यहाँ पे ये पेनिनसुलर प्लेट दिस वॉज द पेनिनसुलर प्लेटू, सो दिस एंड दिस बोथ ऑफ दिस वर द पार्ट टूगेदर अर्लियर, बट वेन द एट द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन, जब हिमालयन माउंटेन्स बन रहे थे तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक फॉल्ट पड़ गया. फॉल्ट मतलब ये जो दो पार्ट थे, दोनों जो ब्लॉक्स थे वो टूट गए, और उसकी वजह से इसके बीच में खाई बन गई, और जो इसका जो पार्ट था वो यहाँ से टूट के मेघालय की तरफ चला गया. इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये जो प्लेटू के बीच में गैप है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो के बीच में बांग्लादेश आ गया तो बांग्लादेश के अंदर प्लेटू, बांग्लादेश में इसके ये प्लेटू जनरली नहीं है, लेकिन जो एक मतलब यहाँ एक तो इस साइड पे रह गए, एक दूसरी साइड पे रह गया, उसका रीजन रहता है
At the time of the formation of the हिमालयन माउंटेन्स देर वॉज द फॉल्ट. फॉल्ट मतलब उनके बीच में गड्ढा था जो दो पार्ट थे. पहले पहले जो पेनिनसुलर प्लेट्यू और जो ये प्लेट्यू एक थे, लेकिन जब भी फोर्स की वजह से जो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए तो उन दोनों के बीच में इट वॉज दे वर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट. एंड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेट्यू. जो मेघालय प्लेट्यू एंड राजमहल हिल्स के बीच में जो फॉल्ट पड़ा उसकी वजह से ये प्लेट्यू अलग अलग दिखता है. लेटर द डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाई द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द न्यूमेरियस रिवर्स. जो बीच में जो डिप्रेशन रहा था, इसके बीच में जो बीच में ये गड्ढा था, ये वाला जो यहाँ पे ये डिप्रेशन हुआ था, जस्ट जो ये डिप्रेशन था इसके बीच का, जो ये वाला डिप्रेशन, ये वाला पार्ट, इट वॉज बिकॉज देर आर द न्यूमेरियस रिवर्स फ्रॉम दी वेस्ट देर इज देयर कम्स द गंगा एंड फ्रॉम दी ईस्ट देर इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. सो दिस गैप और दिस गैप और दिस डिप्रेशन, दिस वन जो बीच वाला पार्ट इन दोनों के, ये इधर से इधर की तरफ, दिस वॉज फिल्ड बाई दिस गैप या जस्ट बिटवीन बिटवीन दिस प्ले दिस गैप देर वॉज द गैप बिटवीन दिस बोथ ऑफ देर वॉज द डिप्रेशन बिटवीन दिस प्लेट्यू एंड दिस प्लेट. इन दिस साइड देर इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड फ्रॉम दिस साइड देर इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. सो दे वर ब्रोकन आउट, देर वॉज द फॉल्ट बिटवीन देम एंड द गैप बिटवीन देम वॉज फिल्ड बाई द रिवर्स डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स. एंड देर आर द मेनली टू मेजर टू रिवर्स आर दियर. फ्रॉम द ईस्ट देर इज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड फ्रॉम द वेस्ट देर इज द गंगा रिवर. सो दिस गैप वॉज फिल्ड बाई द डिपोजिशन. सो दिस वॉज द फॉर्मेशन, हाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम देट, और ये मतलब अलग क्यों दिखता है. जैसा कि हम अगर बात करें तो जो राजमहल हिल्स और इनके बीच जो एक जो मेघालय और आसाम, इतनी दूर जाके इसका पार्ट कैसे बना या किस तरह से ये अलग हो गया, तो ये रीजन था कि इनके बीच में डिप्रेशन और या फॉल्ट हो गया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स. टुडे द मेघालय एंड कार्बी एंड एंगलोंग प्लेट्यू स्टैंड डिटेच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेशन डिप्रेशन बिटवीन द टू प्लेट्यूज एंड द फॉल्ट बिटवीन दिस टू प्लेट्यूज इट लुक्स डिटेच्ड, मतलब अलग दिखता है. आज ये बिल्कुल अलग है. द मेघालय प्लेट्यू इज फर्दर सब डिवाइडेड इन टू द थ्री मेन हिल रेंजेज और हिल्स. इफ यू सी इन दिस पिक्चर दिस एज वी ऑल इफ यू हैव स्टडीड अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू. इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू देर आर द न्यूमेरियस माउंटेन हिल्स और देर आर द माउंटेन रेंजेज. सेम एज दिस मेघालय प्लेट्यू ऑल्सो हैज द माउंटेन रेंजेस एंड मेजर मेनली देर आर द थ्री माउंटेन रेंजेस. फर्स्ट वन इज द गारो हिल. अगर आप पहले देखें तो ये यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जो ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको गारो हिल्स दिखेगी. हियर दीज आर द गारो हिल्स. यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये है, दिस इज द रेंज ऑफ द गारो हिल्स. हियर यू कैन सी दिस गारो हिल्स. देन सेकेंड देर आर द काशी हिल. द काशी हिल्स, द काशी हिल्स लाइज इन द हियर इन दिस एरिया. दिस एरिया इज कवर्ड बाय द काशी हिल्स. दिस एरिया इज कवर्ड बाय द गारो हिल्स. एंड देन द लास्ट एंड दिस साइड ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाई द जैंतिया हिल्स. इन दिस एरिया देर आर द जैंतिया हिल्स. सो दिस प्लेट्यू इज मेनली कवर्ड बाई द थ्री टाइप थ्री माउंटेन्स और द थ्री हिल्स. फर्स्ट इन द वेस्ट देर आर द गारो हिल्स. इन द सेंटर
There in the center of this, there are the Khasi Hills, and in the east part of this plateau is the Jayantia Hills. And we are talking about the Meghalaya and the Karbi Angling. In this area is the Meghalaya. Or Mega, this is the part of the Meghalaya, and this Karbi Anglong, this is the district name in the in Assam. So this plateau covers the two states, Assam and Meghalaya. The hills are the main hills of this area, named after the hills of this area are named after the main tribal groups which resides in these माउंटेन्स. जो यहाँ के जो माउंटेन रेंजेज या जो हिल्स के नेम्स दिए हुए हैं, वो मेजरली इन हिल्स के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जो कि इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देर आर द न्यूमेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज इन ऑलमोस्ट द ऑल स्टेट्स. सो दीज आर द गारो, कासी, जैंतिया. All these are the names of the communities which are residing or which are inhabiting these hill areas. Means in the Garo Hills, there is the Garo tribal community. In Khasi Hills, there is the Khasi tribal community. And in Jayantia Hills, there is the Jayantia tribal community. And that's why the names of these hills are given after the names of the tribal communities which are living in these hills areas. The extension of this is also seen in the Karbi Anglong hills of Assam. So, जो कार्बी एंगलोंग है, कार्बी एंगलोंग इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन आसाम. कार्बी एंगलोंग इज द डिस्ट्रिक्ट. जो इसका जो एक्सटेंशन है, नॉट ओनली इन मेघालय, मेजरली इट इज नोन एज द मेघालय प्लेट्यू, बट इट्स एक्सटेंशन इज ऑल्सो इन द आसाम. दैट्स वाई इट इज नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. सो एंड बिकॉज ऑफ वन मोर थिंग इज दैट इट इज सिमिलर, द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज सिमिलर टू द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू. जो इसका जो फॉर्मेशन है, जो इसकी रॉक फॉर्मेशन है, जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन है, वह जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू के जैसा ही है. अगर इसके जो हम इफ यू सी इफ यू टॉक अबाउट द मिनरल्स फाउंड इन दिस एरिया और द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, देर आर द ब्लॉक माउंटेन्स, देर आर रिफ्ट वैलीज विच आर ऑल्सो फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू. इसलिए ये दोनों एक ही जैसे है. सिमिलर टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू, एज वी हैव स्टेड दैट छोटा नागपुर इज इन द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू और इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि झारखंड में पड़ता है. तो जो जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन द मिनरल्स, एंड देर आर द कोल इज फाउंड दियर, देर द आयरन इज दियर, एंड देर आर सम अदर मिनरल्स ऑल्सो. सेम इन दिस एरिया और दिस मेघालय प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इज ऑल्सो रिच इन द मिनरल्स सच एज ऑलमोस्ट द सेम मिनरल्स आर फाउंड इन दिस प्लेट्यू ऑल्सो. जैसा कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वही मिनरल्स इसके अंदर, इस प्लेट्यू के अंदर भी मिलते हैं. सो दिस द मिनरल्स विच आर फाउंड इन दिस एरिया आर द कोल, आयरन, सिलिमेनाइट, लाइम स्टोन एंड यूरेनियम. इफ यू एवर आर दिस इज द कोल एंड आयरन ओर. आयरन ओर क्या होता है कि जैसे मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ठीक, आयरन ओर, दिस इज द आयरन ओर. इन व्हाट हैपन्स इन आयरन ओर, देर आर द स्टोन्स. आयरन ओर में क्या होता है कि स्टोन्स पाए जाते हैं, मतलब पत्थर मिलते हैं. उन पत्थर के बीच बीच में आपको देर आर द पार्टिकल्स ऑफ द आयरन. सो आफ्टर प्रोसेसिंग दीज पार्टिकल्स ऑफ द आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स
एंड द रॉ फॉर्म, जैसा डायरेक्ट जब हम इसको लैंड से निकालते हैं तो उसको आयरन बोलते हैं, और इस आयरन ओर के अंदर जो आयरन पाया जाता है उसको निकाल के प्रोसेसिंग के द्वारा उसको निकाला जाता है। दिस इज द कोल एंड दीज आर द मिनरल्स विच आर फाउंड इन द मेघालय प्लेट्यू ऑल्सो एंड इन द दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑल्सो। देन लाइम स्टोन, दिस लाइम स्टोन इज, दीज आर द टाइप्स ऑफ द लाइम स्टोन। जैसा कि जो जमीन में से जिस तरह से लाइम स्टोन निकलता है वो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इट मे बी डिफरेंट इन कलर्स एंड लाइम स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग द सीमेंट। मेनली जो लाइम स्टोन होता है वह सीमेंट बनाने के काम में आता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ दी और दीज आर द डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ द लाइम स्टोन। देन देर इज द सिलेमाइट। सिलेमाइट इज द शाइनिंग स्टोन एंड इट इज यूज एज द कई सारे जो ज्वेलरी में यूज होता है। सो दिस इज द सिलेमाइट, जो सिलेमाइट ये है सिलेमाइट। एंड स्लेम आफ्टर प्रोसेसिंग इट लुक्स अ वेरी शाइनी स्टोन एंड इट इज यूज इन द ज्वेलरी। देन यूरेनियम, एंड दिस इज द टाइप ऑफ द यूरेनियम एंड द टेक्सचर ऑफ द यूरेनियम। सो दिस प्लेट्यू मीन्स मेघालय प्लेट्यू इज रिच इन कोल, आयरन ओर, लाइम स्टोन, देन सिलेमाइट एंड यूरेनियम एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम अदर मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरिया। बट दिस छोटा नागपुर प्लेट, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट द मिनरल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट इज मीन्स इट्स डेवलप, बट इन दिस एरिया दीज आर मीन्स द मिनरल्स आर टेकन आउट बट नॉट इन दैट लार्ज अमाउंट। एंड इफ यू नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स, रिवर्स एंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस एरिया। वी नो दैट चेरापूंजी इज द प्लेस विच रिसीव द हाइस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड एंड दिस एरिया फॉल्स इन द मेघालय और इन दिस प्लेट्यू। जो ये वाला एरिया है जो प्लेट्यू का, जो मेघालय प्लेट्यू है, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला एरिया है। सो दिस एरिया रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून। जैसा कि यहाँ से जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, इधर से ये साउथ वेस्ट मॉनसून, इधर जो यहाँ से साउथ वेस्ट मॉनसून आता है तो यहाँ से इसको जो साउथ वेस्ट मॉनसून से सबसे ज़्यादा बारिश इस एरिया के अंदर होती है। एज अ रिजल्ट द मेघालय प्लेट्यू इज हाईली इरोडेड सरफेस एंड बिकॉज ऑफ द हाई रेनफॉल देर इज द हाई फ्लो ऑफ द वॉटर, देर इज द लार्ज अमाउंट ऑफ द वॉटर्स इन द रिवर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉटर, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द वॉटर दिस प्लेट्यू इज इट द सरफेस ऑफ दिस एरिया। जो इस एरिया का जो सरफेस है, जो इसका लैंड सरफेस है, वो बहुत ज़्यादा इरोडेड है। इरोडेड मतलब कटा हुआ है। जो सॉफ्ट पार्ट है वो लगभग पूरा कट के नदियों के साथ में बह चुका है और ऊपर से केवल हार्ड रॉक्स बनी हुई है। चेरापूंजी डिस्प्लेज अ बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। एंड एज चेरापूंजी इज अमंग द एरिया विच रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। सो इन द चेरापूंजी जो सरफेस है, जो माउंटेन्स का या जो उसका जो प्लेट्यू का सरफेस है, वो कम्प्लीटली रॉकी सरफेस है, क्योंकि जितनी भी मिट्टी थी या जितना भी सॉफ्ट पार्टिकल्स थे लैंड के, वो सारे कट चुके हैं, इरोड हो चुके हैं और बह चुके हैं। इस वजह से जो उसका सरफेस कम्प्लीटली रॉकी है एंड बिकॉज ऑफ द रॉकी सरफेस इट इज वेजिटेशन फ्री। देर इज नो परमानेंट वेजिटेशन कवर इन द चेरापूंजी और द एरिया विच रिसीव द हाइस्ट रेनफॉल ऑफ दिस प्लेट्यू। सो दिस वॉज अबाउट दैट वी हैव स्टडीड अबाउट दिस एरिया। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्लेट्यू
with the help of the Google Earth and some of the pictures. So as you know, this is the location of the on the India map of this plateau. And if you see the first, it is the Shillong that we already have studied, that this plateau covers the Shillong and the Karbi Anglong area. So if when we see this Shillong lies in the eastern western part of this area. So here it is the Shillong. So it this plateau covers the Shillong, and after that there is the Karbi Anglong. So ये Shillong है, ये कहाँ पड़ रहा है आपका? ईस्टर्न पार्ट में पड़ रहा है. इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो Karbi Anglong, Karbi Anglong is the it's now it's coming the Karbi Anglong. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? Karbi Anglong आ रहा है. जो ये yes right here it is the right this area.